नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के सहकारिता बैंक से केसीसी लेने वाले किसानों के लिए एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल जिन किसानों ने लोन माफी की उम्मीद लगाए पैसे इकट्ठा नहीं किए हैं, वो सभी 31 जनवरी तक आवेदन देकर ब्याज की 90% राशि माफ करा सकते हैं। हालांकि वे लोग फरवरी तक भी इसके लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, लेकिन तब उनका सिर्फ 80% ही ब्याज माफ हो पाएगा। करीब 2,00,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सहकारिता बैंक की एक मुफ्त समझौता योजना OTS का लाभ व्यक्तिगत लोन लेने वालों के साथ डिफॉल्टर पैक्स भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य के सहकारिता बैंकों में यह योजना 15 दिसंबर से ही लागू है। विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बुधवार को योजना की समीक्षा की, साथ ही बैंकों को सभी NPA खाता धारकों को नोटिस देने का निर्देश भी दिया। साथ ही बैंक स्तर पर कैंप लगाकर लोनी किसानों और दूसरे लोगों को इसका लाभ देने का भी निर्देश दिया। इस योजना के तहत 90% तक सूद की राशि माफ करने की योजना है, लेकिन शर्त है कि आवेदन जनवरी में ही करना होगा। इससे राज्य के लगभग 2,00,000 ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनका KCC NPA हो चुका है। इसके अलावा लगभग 1,000 डिफॉल्टर पैक्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने वालों को केवल मूलधन के साथ सूद की बकाया राशि में मात्र 10% का भुगतान करना होगा। वहीं राज्य में सहकारी बैंकों से KCC लेने वाले किसानों की संख्या लगभग 4,00,000 के करीब है। इनमें आधे यानी लगभग 2,00,000 किसानों का खाता NPA हो चुका है। ऐसे खातों में बैंकों का लगभग 300 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। बैंकों के लगभग 56,000 NPA खातों को नोटिस भी दिया गया है। इन खातों में बैंकों का लगभग 563 करोड़ रुपए फंसे हैं। योजना का लाभ अब तक 1,600 किसानों ने ले लिया है, जबकि इन किसानों से लगभग 6.5 करोड़ रुपए की वसूली भी हो गई है। आइए एक नज़र डालते हैं इस योजना पर और यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह योजना कैसे काम करेगा। दरअसल योजना के संबंध में बताया गया है कि इस योजना के तहत किसान अपने द्वारा लिए गए KCC का ब्याज 90% तक माफ करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को 31 जनवरी तक आवेदन करना होगा। अगर किसान 31 जनवरी तक आवेदन नहीं करते हैं तो उसके बाद भी उनके पास अपने KCC का ब्याज माफ कराने का एक और मौका होगा। बताया गया है किसान फरवरी महीने में भी अपने KCC का ब्याज माफ कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन जो किसान फरवरी में इसके लिए आवेदन देंगे उनका सिर्फ 80% ही लोन माफ हो पाएगा। बताते चले कि इस योजना से लाखों किसानों को फायदा होगा, खासकर उन गरीब किसानों को राहत मिलेगा जो ब्याज भरने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें करीब 2,00,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार सहकारिता बैंकों की एक मुफ्त समझौता योजना OTS का लाभ व्यक्तिगत लोन लेने वालों के साथ डिफॉल्टर पैक्स भी ले सकते हैं। वहीं अब तक 1,600 किसानों ने इस योजना का लाभ भी उठा लिया है, जबकि इन किसानों से लगभग 6.5 करोड़ रुपए की वसूली भी हो चुकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।